पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं जारी हैं, लेकिन भाजपा नेता के चेहरे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो वाकई शोक में है। रायपुर और भोपाल में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने भाजपा को मुश्किल में डाला। भाजपा के नेता हंसी ठिठोली करते श्रद्धांजलि सभा में नजर आए। रायपुर में प्रदेश सरकार के 2 दिग्गज मंत्री अजय चंद्राकर और ब्रिजमोहन अग्रवाल आपस में ठहाके लगाते नजर आए। वहीं भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में श्रद्धांजलि सभा में भाजपा नेता हंसते ठहाके लगाते नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नंद कुमार सिंह चौहान और मंत्री सुरेंद्र पटवा तक सभी हंसी ठिठोली में व्यस्त नजर आए। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 सीनियर मिनिस्टर्स की अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में हंसी ठिठोली भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बन रही। दोनों मंत्रियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में रायपुर में अटल जी की श्रद्धांजलि सभा के दौरान मंच पर मौजूद ब्रिजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। बगल में बैठे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक उनको हाथ पकड़कर रोकते हैं, फटकार भी लगाते हैं शायद, और इसके बाद दोनों थोड़ा संभलते हैं, अपने चेहरे पर एक बार फिर से गंभीरता का आवरण ओढ़ते हैं। मंत्रियों की हंसी ठिठोली पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि मंत्रियों की हंसी ठिठोली भाजपा के असल चेहरे को उजागर करती है। इस पूरे मामले में मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने सफाई दी कि कांग्रेस की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। कांग्रेस ने भाजपा पर अटल जी के निधन का सियासी लाभ लेने और अस्थि कलश यात्रा में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने बस्तर के उस सरकारी पत्र को जारी किया जिसमें सरपंचों को सीईओ ने कलश यात्रा में आने के लिए कहा है। अस्थि कलश यात्रा में सरकारी पत्र लिखकर भीड़ बुलाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। जिस तरीके से हास परिहास और दिगर हरकतों का दौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में चला है वह बेहद दुखद है, और भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का मृत्यु के बाद अपमान किया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस की अपनी सोच है और हमारी अपनी सोच है, हम उसके अनुसार काम करते हैं।